टुडे वी विल डिस्कस इन फार्माकोलॉजी आफ्टर रिसेप्टर फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। तो रिसेप्टर में आपने देखा एगोनिस्ट, कंप्लीट एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, देन फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मॉडिफिकेशन। इन केस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मॉडिफिकेशन, लॉट ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सम फैक्टर्स डिस्कस अफेक्टिंग द ड्रग एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल एज, देन साइज, एज की रिगार्डिंग साइज, लीन बॉडी मास के रिगार्डिंग सेक्स, जेनेटिक इनहेरिटेंस, फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एज। स्टैंडर्ड डोजेज आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट विल कॉज द डिजायर्ड इफेक्ट इन ए एवरेज एडल्ट। द बॉडीज ऑफ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पेशेंट डू नॉट फंक्शन एग्जैक्टली लाइक द एवरेज एडल्ट बॉडी। तो इन केस ऑफ एवरेज एडल्ट फुल्ली ऑर्गन्स आर फुल्ली डेवलप्ड एंड इन केस ऑफ ओल्ड एज ऑर्गन्स आर डीनेचर, देन ड्रग इफेक्ट आल्सो अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इन्फेंट बॉडी सिस्टम आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, दे हैव ट्रबल ब्रेकिंग डाउन आर एक्सक्रीटिंग ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकॉल। इन केस ऑफ चिल्ड्रेन अगर क्लोरमफेनिकॉल ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अगर दिया जा रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू अगर बेबी में जा रहा है तो एक्सक्रीटरी रेट बेबी में न के बराबर है तो उस कंडीशन में बेबी में काज करेगा ग्रे बेबी सिंड्रोम, बेबी विल नॉट फीड, फाइनली कार्डियक कोलैप्स और डेथ हो जाएगा। द बॉडी सिस्टम ऑफ द एल्डरली मे नॉट फंक्शन एज इफिशियंसी एज वेन दे वेयर यंगर। तो ओल्ड एज में ऑर्गन डिजेनरेशन होने के कारण उस कंडीशन में सारे बॉडी फंक्शन पूरी तरह फंक्शन नहीं करते, तो वहाँ पे भी अगर आप ड्रग दे रहे हैं तो पूरी तरफ से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आएगा, टॉक्सिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल इन ओल्ड पेशेंट को अगर डाइगॉक्सिन दे रहे हैं तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट आपका साइज, साइज के केस में द साइज ऑफ पर्सन एंड वेदर आर नॉट दे आर फैट आर थीन हैव एन इफेक्ट ऑन ड्रग एक्शन। तो रिगार्डिंग साइज, इफ एन एवरेज डोज ऑफ मेडिकेशन इज गिवन टू ए वेरी टॉल आर वेरी ओबेज आर वेरी स्मॉल एंड देन द पेशेंट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज ब्लड स्ट्रीम विल नॉट बी राइट अमाउंट टू प्रोड्यूस द इफेक्ट यू वॉन्ट। सेक्स, वोमेन में रिएक्ट मोर स्ट्रांगली अ सर्टेन ड्रग देन मेन। फॉर एग्जाम्पल डाइजीपाम के केस में वोमेन में मेटाबोलिज्म स्लो होगा एज कम्पेयर टू मेल, दे आर जनरली स्मॉलर एंड हैव ए हायर प्रपोर्शन ऑफ फैट देन मेन, राइट। जेनेटिक फैक्टर, द इंडिविजुअल मेकअप ऑफ ईच पर्सन काजेज स्लाइट डिफरेंस इन प्रोसेस लाइक बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सम पीपुल हैव वेरी अनयूजुअल ड्रग रिएक्शन दैट मे लिंक्ड टू जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट आपका डिजीज कंडीशन, डिजीज कैन स्ट्रांगली अफेक्ट हाउ पेशेंट रिस्पॉन्ड टू ड्रग आर द ऑर्गन नेसेसरी फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्रीशन में भी इम्पेयर्ड। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है डिजीज कंडीशन में अगर आप विदाउट डिजीज स्टेट एल्कोहल टेकिंग देन नेक्स्ट ड्रग दे विल बी लॉट ऑफ ड्रग मेटाबोलिज्म एंड एक्शन विल बी अफेक्टेड। इमोशनल कंडीशन, मेंटल स्टेट कैन बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सक्सेस आर फेल्योर ऑफ द ड्रग थेरेपी। निगेटिव इमोशनल स्टेट एंड स्ट्रांग फीलिंग सच एज ज्वेलसी, एंगर एंड फियर में हैव ए नोटिकेबल इफेक्ट ऑन द ड्रग एक्शन आल्सो अफेक्टेड। अ पेशेंट एक्सेप्शनल कैन आल्सो अफेक्ट द ड्रग एक्शन आर साइकोलॉजिकल इफेक्ट कॉल्ड प्लेसिबो कैन एड टू इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन थेरेपी। प्लेसिबो फैक्टर सराउंडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन मे आल्सो काज डिफरेंट इन पीपुल रिस्पॉन्स टू ड्रग। तो ये आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे किस कंडीशन में पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल सफर फ्रॉम एंजाइना, तो उस कंडीशन में अगर आप आई वी रूट से दे रहे हैं या सबलिंगुअल दे रहे हैं तो मोस्ट इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू ओरल रूट। टाइम ऑफ द डे, सम ड्रग्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन अर्ली मॉर्निंग आर इवनिंग, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक ड्रग डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड विदाउट फूड टेकिंग एंटा एसिड देन गुड इफेक्ट।
एंड ड्रग टेकिंग हिस्ट्री. सम ड्रग्स कैन कलेक्ट इन बॉडी सो द डोजेज मस्ट बी एडजस्ट टू अवॉइड ओवर मेडिकेटिंग. रिपीट डोज ऑफ द सम ड्रग मे द पेशेंट लेस रिस्पॉन्सिव टू द ड्रग. सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैन ऑल्सो डाउन आर स्पीड अप द इफेक्टिव कैन काज अनयूजल आर डेंजरस रिएक्शंस. इसका एग्जाम्पल आपने देखा था एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आर फुल एगोनिस्ट के केस में, तो एडिटिव इफेक्ट जब आ रहा था पॉजिटिव एगोनिस्ट, जैसे आप दो कैटेगरी एनाल्जेसिक का दे दिए पैरासीटामॉल और कोई और भी कैटेगरी की ब्रांड की ड्रग एक साथ दिए, तो सिनर्जेस्टिक इफेक्ट टेम्परेचर स्लो डाउन. या आपने देखा एंजाइना के केस में कोल्ड कंट्रीज में सेक्सुअल इन्हांसमेंट के लिए सिलडेनफिल लेते हैं, तो दोनों के कंडीशन में अगर दोनों पेशेंट सिलडेनफिल ले रहा है और एंजाइना का एंटी एंजाइनल ड्रग लिया नाइट्रेट कंटेनिंग, तो दोनों वैसोडायलेशन सडन कर देंगे, तो हाइपोटेंशन डेथ भी हो सकती है. तो ड्रग टेकिंग हिस्ट्री और इन्वायरमेंटल फैक्टर एक्सट्रीम ऑफ वेदर आर टेम्परेचर कैन अफेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग बिकॉज हीट एंड कोल्ड इन्फ्लुएंस बॉडी फंक्शंस. हीट रिलैक्स द ब्लड वेसल्स एंड स्पीड ऑफ सर्कुलेशन. गर्मी के मौसम में सर्कुलेशन तेज हो, सो ड्रग्स कैन फास्टर एक्ट. कोल्ड स्लो देयर एक्शन बाई कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स एंड सोविंग सर्कुलेशन. हाई एल्टीट्यूड मेक्स सम ड्रग इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन.